अस्सलामुअलैकुम। वॉलीबॉल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पुराना एक वीडियो में आप देखा व्हाट्सएप के एक छोटा ट्रिक्स के बारे में, अभी आप एक नया ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिसका व्हाट्सएप में न्यू अपडेट है कि आप किसी को एक मैसेज सेंड कर दिया, मैसेज सेंड करने के 7 मिनट में आप उस मैसेज को परमानेंट डिलीट कर सकते हो। परमानेंट मीन्स बोथ साइड। जैसे है, अभी टाइम है 9:02 करंट टाइम, और मैं 9:01 के मैसेज किया। ये मैसेज को अगर हम डिलीट करना चाहते तो सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट मार के डिलीट फॉर एवरीवन एक ऑप्शन है। फर्स्ट डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर कैंसिल, डिलीट फॉर एवरीवन, तो हम डिलीट फॉर एवरीवन मार दिया तो परमानेंट डिलीट हो गया। लेकिन अगर हम उससे पुराना मैसेज, एक 516 का एक मैसेज है, इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो देखिए इसमें ओनली एक ही ऑप्शन आ रहा है, डिलीट फॉर मी, नॉट डिलीट फॉर एवरीवन। तो इसको हम कैसे परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, मोर देन 7 मिनट का कोई भी मैसेज को हम कैसे परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, चलिए आज हम वही देखेंगे और वही सीखेंगे। तो आप सबके लिए रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और शेयर कीजिए। तो देखेंगे अभी वो मैसेज हम कैसे डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपका टाइम एंड डेट सेटिंग्स में जाना है। टाइम एंड डेट सेटिंग्स में जाने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट टाइम में अनचेक मारना है, ऑटोमेटिक टाइम जोन में अनचेक मारना है। अभी आपको जो मैसेज डिलीट करना है उस मैसेज का डेट एंड टाइम सेट करना है। मान लीजिए मेरे को इस कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किया, इसका कोई भी एक पुराना मैसेज हम डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये है आपका एक पुराना मैसेज जून 19 का 10/2 and 10/4, ये दो मैसेज हम डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली। तो उसके क्या करना है, डिलीट मार दिया, लेकिन ओनली डिलीट फॉर मी ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन लेके आना है। तो उसके लिए क्या करना है, जो डेट का मैसेज है वो डेट पहले चेक करना है। कौन सा डेट का मैसेज है, ये डेट है जून 19 का, तो जून 19 का टाइम क्या है, 10:02 PM। तो जून 19 का सबसे पहले हमको सेटिंग्स में जाके, डेट एंड टाइम सेटिंग्स में जाके सेट डेट करना है, जून 19 सेट कर लिया, और टाइम क्या था, 10:02 टाइम था। तो हम अगर उसको 10/4, 10/5 किसी एक में विद इन 7 मिनट में डाल दिया तो देखते क्या होता है। अभी 10/4 सिलेक्ट कर दिया, ओके, बैक कर लिया। अभी वही सेम मैसेज अगर हम क्लिक किया तो देखेंगे क्या होता है। देखिए डिलीट फॉर मी से डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन आ गया, अब सिंपली डिलीट कर दीजिए। दूसरा भी 10/4 का, वो भी सिंपली डिलीट कर दिया थी। ऐसे ही आप कोई भी मैसेज, किसी का दिन का भी मैसेज, आप सिंपली डेट एंड टाइम चेंज करके आप डिलीट कर सकते हो। आपको पर्सनल कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, इसीलिए कोई भी मैसेज ऐसा हो गलती से चला गया और उसको आप डिलीट कर करना चाहते हो, 7 मिनट से ज़्यादा हो गया तो आप कर सकते हो। ऐसे आप कर, उसके बाद अगर हो गया डिलीट तो फिर आप चेक कर दिया ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट में, एंड ऑटोमेटिक टाइम जोन में चेक कर दिया तो आप फिर आपका ओरिजिनल मोड में चलाएंगे। उस टाइम आप कोई उससे, इस डेट से पुराना मैसेज डिलीट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा, क्यों न्यू ट्रिक्स है जो आपको किसी से नहीं मिलेगा। तो अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।